तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हाजिर है यहाँ पे कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2021-22 का 100% आपका यहाँ पे रियल पेपर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देख सकते हैं कक्षा 11वीं का आपका सेट आपका भी है, भौतिक शास्त्र आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए पूरा पेपर यहाँ पर आ चुका है। क्या बात है, जो छात्र यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपका टोटल इसमें आपके 19 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 घंटा समय और आपका यहाँ पे प्रेज आपके 10 है। आपको 70 अंकों का पूरा पेपर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। टोटल आपके पूरे प्रश्न मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो एक एक क्वेश्चन रट लेना। यकीन मानो छात्रों, यहाँ पे 23 मार्च के पेपर में आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक सेट में आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। पूरा पेपर आपको मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका सही विकल्प क्वेश्चन, आपके 7 नंबर क्वेश्चन। तो यदि आपने इसके आंसर अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट आंसर देखिए। सबके आंसर आपके लगे हैं यहाँ पे, देखिए आपका यहाँ पे, और सभी के आंसर देख लीजिए फटाफट। यहाँ पे आपके टोटल आंसर इसे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हम आपको मोस्टली आपके 6 से लेकर आपके 23 तक के आंसर देखने वाले हैं, ठीक है, आपके आंसर। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान, आपको आंसर सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नजर पर देख लो। इसके आंसर आपको हम यहाँ पे प्रॉपर आपको मैं दे दूंगा कि इसमें आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन, ठीक है, आपको टेलीग्राम पर। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही जोड़ी, तो सही जोड़ी क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है पूरे क्वेश्चन, और इसका आपको प्रॉपर आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सभी का आंसर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपको आता है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक शब्द या आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर आपको प्रॉपर आपको दिखा दे रहा हूं। तो पहला आपका यहाँ पे अपेक्षित त्रुटि पूछ रहा है, आपको आंसर यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द्विविध संघट किसे कहते हैं, तो आपको आंसर इसका भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे आपका द्विविध संघट, देखिए 8वां क्वेश्चन, आपको इसका आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद आपको 3रा क्वेश्चन, वह बिंदु जिसके पड़ता पिंड का आपूर्तिबल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इस पर आपको दिखाऊंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहां पे इसका आंसर पहले बार का आंसर आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देखिए आपको इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आपको द्रव्यमान कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आता है, यहाँ पे प्रतिबल की बात कर रहा है, मोलर विद्युत चालक और साथ में कारणो इंजन और आवर्ती गति, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर, आपको प्रतिबल, तो प्रतिबल का मात्रक आपको यहाँ पे, तीसरे का आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, तीसरे का आंसर न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज मैं सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और मिलेंगी। तो आप बेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र, और साथ में आपको यहाँ पे देखिए मूलर विशिष्ट चालक ऊर्जा आपको सही मात्रक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तीसरा का आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद कार्नो इंजन का आपको दक्षता का सूत्र, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मिल गया आंसर, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट वाला, आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको लास्ट वाले यूनिट पे मिल जाएगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन है आवर्ती गति क्या है, आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर यहाँ मिलेगा। देखिए, आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे पांचवा, तो पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं आंसर। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आपके ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं। पांचवे का आंसर आपको ये है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है, पूरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद इसके आठवां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बीमी आपका विश्लेषण की आपको सीमा बताना है, आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पांच का आपको आठवां आंसर ये मिल जाएगा, पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, यदि आप कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे उपयोग आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट, आपका सत्यों का योग का संबंधी त्रिभुज का नियम, आपको ये क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन त्रिभुज का आपको यहां पे
देखिए योग संबंधी नियम आपको आंसर यह करना है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको आंसर यह हो जाएगा और आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये बारह कोड़ी बेग किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखना है, आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद क्वेश्चन 7वां ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन है आपको आंसर 7 का आंसर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको अथवा क्वेश्चन कार ऊर्जा प्रमेय क्या है, आपको आंसर यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 का आपको यहाँ पे कार ऊर्जा प्रमेय आंसर ये हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका अगला देखिए आपका कोणी संवेग संचरण का आपको नियम बताना है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 8वां का आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपका इसका आंसर यहाँ तक लिखना पड़ेगा। और इसके बाद इसके 8वां क्वेश्चन किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आंसर आपको ये दो पॉइंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 9वां गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक आपका नियम और साथ में गुरुत्वीय विभव क्या है, आपको ये क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं आपका नेक्स्ट आपका यूनिट का क्वेश्चन आपका 9वां। तो 9 क्वेश्चन का आंसर आपको पहला का आंसर ये मिल जाएगा। और इसके बाद इसके अलावा क्वेश्चन गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं आपको आंसर ये याद करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 10वां, तो 10वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे याद करना है पास्कल का नियम और साथ में आपको पर प्रत्यास्थ गुणांक किसे कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दिखाता हूं, यहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आपका रहा 10वां क्वेश्चन पास्कल का नियम और इसके बाद आपका इसके 8वां क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए प्रत्यास्थ गुणांक किसे कहते हैं, आंसर याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 12वां क्वेश्चन 11वां, एक कैलोरी ऊष्मा का परिभाषा और ऊष्मा गति का 0वां नियम। तो चलिए आपको यहां पे क्वेश्चन आपका अगला आपको ये मिल जाएगा, एक कैलोरी आपका ऊष्मा का परिभाषा और इसके बाद आपको यहां पे मिलेगा यहां पे देखिए क्वेश्चन ऊष्मा गति का आपको 0वां नियम, आपको ये आंसर याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको बार बार सरल आवर्त गति किसे कहते हैं और तरंगों के आपके अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताना है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपके चैप्टर में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपका बार बार। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सरल आवर्त गति किसे कहते हैं ये क्वेश्चन और साथ में आपको यहाँ पे इसके अथवा आंसर आपको तरंगों आपको अध्यारोपण सिद्धांत आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 13वां सुरक्षित बल और आपको असुरक्षित बल में आपको अंतर और शक्ति के लिए P बराबर F बराबर आपको स्थापित करना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे सुरक्षित बल और आपको यहाँ पे असुरक्षित बल में आपको अंतर आपको प्रॉपर आपको तीन आपको यहाँ पे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको तीसरा पॉइंट सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। छात्रों यदि आप यहाँ पे पूरे क्वेश्चन याद कर लेते हो यकीन मानो छात्रों आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे, गारंटी लेता हूँ। कल के पेपर में हर एक सेट में आपके क्वेश्चन यहाँ से छपने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। और यदि आपको दिल से वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को दिल से लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यूट्यूब पर आपको हर कोई आपको फेक आपका पेपर यहाँ पे पिछले साल का दिखा देगा आपको। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरे आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके पूरे क्वेश्चन और उनका आंसर आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है, हर एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक लेना पड़ता है, उनके आंसर ढूंढने पड़ते हैं, उनके आंसर देना पड़ता है। तो आपको दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में आपको यहाँ पे मेहनत सार्थक लगे तो चैनल को आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए शक्ति के लिए आपको यहाँ पे सूत्र आपको P बराबर आपको यहाँ पे F मल्टीप्लाई आपका भी आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे 14वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कोणीय संवेग और आपको यहाँ पे बल आघूर्ण में आपको संबंध स्थापित करना है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसका आंसर देखिए आपको सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको ये वाला है 14 का आंसर आपको यहाँ तक कर देना है। ठीक है, चलिए मिल गया। इसके बाद आपको इसके अगला क्वेश्चन आपका ये वाला बल युग्म आघूर्ण किसे कहते हैं, आपको उदाहरण भी आपको दो देना है, आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है 14 का आपको 8वां क्वेश्चन। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको चित्र बनाना है और इसके बाद आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको उदाहरण सही। ठीक है, दो आपके उदाहरण भी यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन यदि आपको कोई आप क्वेश्चन IMP के रूप में याद करना चाहते हैं तो लोटनी गति किसे कहते हैं, आपको लोटनी गति के पिंड के संपूर्ण गतिज ऊर्जा का याद करने के लिए सूत्र आपको करना है, आपको ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देख लेना है। यदि आपसे आता है तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां, स्टोक का नियम आपका सीमांत वेग क्या है इसका आपको सूत्र और बूंद के अतिरिक्त दाब के लिए आपको यहाँ पे सूत्र स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे स्टोक का नियम पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको सीमांत या अंत वेग के बारे में आपको व्यंजक आपको सिंपल तरीके से आंसर करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर है इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लंबा आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन 15 का आपको अथवा क्वेश्चन ये मिल जाएगा, आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है और इसके बाद आपको आंसर ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना आपको। इसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां, देखिए अंदर और अनुप्रस्थ तरंगों में आपको अंतर, साथ में आपको ये क्वेश्चन बताना है, तो दोनों क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य रंगों में अंतर, आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा और आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन, तो आपका ये क्वेश्चन है देखिए आपको यहाँ पे इसको आपको फलन ज्ञात करना है, आपको कण का वेग और इसके बाद आपको यहाँ पे कण का आपको त्वरण, ठीक है। आप यहाँ पे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए समतावी प्रक्रम और आपको यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको अंतर स्पष्ट करना है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको 17वें का आंसर आपको प्रॉपर आपको आंसर ये मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन ये है यहाँ पे समतावी प्रक्रम आपका रुद्ध प्रक्रम में आपको अंतर स्पष्ट करना है, आपको पहला पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा और तीसरा पॉइंट, ठीक है। और यदि आप इसमें कोई आपका आईएमपी क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो कार्नो इंजन क्या है और इसके दक्षता का सूत्र आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके आने की संभावना किसी न किसी क्वेश्चन में आपके सेट में ये क्वेश्चन आपका 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे इन पॉइंट के आधार पर आपको याद करना पड़ेगा और इसके अलावा आप यहाँ पे प्रतिता क्या है इसके निष्पादन के लिए गुणांक का आपको सूत्र स्थापित करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आईएमपी मानकर इसके अथवा क्वेश्चन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और आपको इसके आधार पर समतावी प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम आपको इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें आपको यहाँ पे पूरा आपको समझाना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में तो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम आपको ये 17वां आपको अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा और इसके बाद प्रॉपर आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट आपके समतावी प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम और आपको यहाँ पे चक्रीय प्रक्रम, ये आपको तीनों पॉइंट लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 18वां क्वेश्चन प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और साथ में आपको 30 डिग्री वाला। तो चलिए इन क्वेश्चन का आपको आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आपका 18वां क्वेश्चन, तो आपको 18वां क्वेश्चन आपको जो दिया गया है आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको क्वेश्चन है, आपको पूरा प्रॉपर ये आपके हर पेपर में हर साल आपका लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे आप यहाँ पे याद कर लेना एक एक क्वेश्चन। उड्डयन काल पहला पॉइंट और इसके बाद आपको यहाँ पे क्षैतिज परास इससे पूछा जाता है और क्षैतिज परास के बाद आपको यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। तो आपको प्रॉपर आंसर याद करना है और इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये वाला दिया है 30 डिग्री कोण वाला, उड्डयन काल क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई, तो आपको पहला अधिकतम ऊंचाई और साथ में उड्डयन काल कैसे निकालना है आपको ये क्वेश्चन और साथ में आपको यहाँ पे क्षैतिज परास ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ पे आईएमपी के रूप में आप ये वाला क्वेश्चन याद कर सकते हैं, वर्ती गति किसे कहते हैं और एक समान वर्ती गति के लिए आपको अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात करना है, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत सारे सेट में आपका ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको 19वां, पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई पर यहाँ पे आपको गुरुत्वीय त्वरण जी का मान और आपको यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आपका ये वाला है, पूरा आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, पूरा आपको इसमें जी के मान के लिए परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा और इसका आंसर प्रॉपर आपको ये पूरे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे छात्रों, एक एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आपको बड़ा आंसर आपको लिखकर आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का पलायन चाल के लिए सूत्र स्थापित करना, तो ये क्वेश्चन आपको अथवा क्वेश्चन है, पूरा आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आईएमपी के रूप में इसमें ये वाला क्वेश्चन आप इसमें याद कर सकते हैं, केपलर की गति के संबंधी नियम आपको इसे तृतीय नियम की व्याख्या करना है, तो ये क्वेश्चन आंसर पूरा आपको यहां तक करना पड़ेगा। तो टोटल आपके यहां पे पूरे पेपर के हमने 19 क्वेश्चन कवर कर दिए गए, अगर ये क्वेश्चन आप रट कर जाओगे तो गारंटी कि आप यहां पे टॉपर बनकर आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और यहां पे दिल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि छात्र बहुत मेहनत करते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर, यहां पर हमें हर एक मटेरियल आपको लाना पड़ता है और उसके आंसर के लिए देखिए हमें यहां पे पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लाने पड़ते हैं आपके यहाँ पे, कि आपको भाई साहब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ज्ञान मिलती रहे जीत क्लासेस इंडिया पर। तो यहाँ पर हमने 100% आपका असली वायरल पेपर का पूरा कंप्लीट आंसर दे दिया है और गारंटी है कि आपके यहाँ पे 70 में से 70 नंबर आएंगे। बस आपको वीडियो को दबाकर लाइक करना है, ठोक देना है आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।